पास्ट में कौन चार हीरो जो एशिया कप में जाके अकेले मैच जिताने का क्षमता रखेंगे? पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेंगे और नेपाल टीम को मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। कौन ऐसे चार खिलाड़ी नेपाल टीम के अकेले के दम पे मैच जिताने का क्षमता रखते हैं? वो हीरो है, नेपाल के हीरो है, सुपर स्टार है। तो गाइस अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि नेपाल कौन ऐसे चार हीरो है की जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे के दम पे मैच जिताने की क्षमता रखते हैं एशिया कप में, आप लोग गाइस जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कौन ऐसे चार नेपाल टीम में खिलाड़ी है कि अकेले के दम पे मैच जिताने की क्षमता रखेंगे एशिया कप में, और एशिया कप में नेपाल टीम अच्छा प्रदर्शन करेगा। कोई उम्मीद रखा हुआ है जो कि नेपाल टीम पाकिस्तान पहुंच गया, अभ्यास कर रहा है, पसीना बाहर रहा, खून पसीना एक कर रहा है, जो कि चार ऐसे खिलाड़ी नेपाल टीम में, एक भी खिलाड़ी चल गया, एक भी खिलाड़ी का अगर दिन अच्छा हुआ तो नेपाल टीम को मैच जिताने की क्षमता रखता है, पाकिस्तान इंडिया को धूल चटाने का क्षमता रखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी खिलाड़ी को मालूम चलेगा कितना विकेट लिए, कितना रन बनाए हुए, कौन ऐसे चार खिलाड़ी नेपाल टीम में कि अकेले के दम में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पहले मैं जो हीरो रखूंगा नेपाल टीम के हीरो में, मैं रखूंगा संदीप लामेछाने को। आप लोग ये बोलो, कमेंट करो कि संदीप लामेछाने को आप क्यों रखे, एशिया कप में अच्छा करना है संदीप लामेछाने को लेके जाना जरूरी है, संदीप लामेछाने 100% एशिया कप खेलने जाएंगे। क्वेश्चन करो यार कोई संदीप लामेछाने तो नहीं जाने वाले, उनको शामिल क्यों किए, वो 100% एशिया कप खेलने जाएंगे। तो संदीप लामेछाने पहला मैं हीरो रखता हूँ नेपाल के टीम में, के नेपाल के सुपर स्टार है, एक ऐसे लौटे खिलाड़ी है कि अकेले के दम पे मैच जिताने का क्षमता रखते हैं। इंटरनेशनल ओडीआई मैच संदीप लामेछाने 49 मैच खेले हुए हैं, 49 मैच में 367 रन बनाए हुए हैं, 111 विकेट लिए हुए हैं संदीप लामेछाने 3 बार 5 विकेट लिए हुए हैं, उनका इकोनॉमी 4.27 का है, उनका एवरेज 17.26 का उनका एवरेज है, जो कि संदीप लामेछाने 49 मैच टोटल खेले हुए हैं, 111 विकेट लिए हुए हैं और 367 रन बनाए हुए हैं, संदीप लामेछाने का ये रिकॉर्ड है। और संदीप लामेछाने एक की प्लेयर हो सकते हैं एशिया कप में नेपाल टीम के तरफ से, और नेपाल टीम को मैच जिताने की क्षमता संदीप लामेछाने रखते हैं। दूसरा जो हीरो है नेपाल में टीम के, मैं रखता हूँ सोमबाल कामिल को इसलिए रखता हूँ, सोमबाल कामिल जबरदस्त बैटिंग भी करते हैं, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ऑलराउंडर भी है, इसलिए मैं सोमबाल कामिल को रखता हूँ। सोमबाल कामिल जो कि नेपाल की टीम को बैलेंस देते हैं, इंटरनेशनल मैच 47 मैच खेले हुए हैं सोमबाल कामिल, 478 रन बनाए हुए, उनका बेस्ट स्कोर 63 का बेस्ट स्कोर है, जो कि 250 मारे हुए हैं, 47 मैच में विकेट 63 विकेट लिए हुए हैं, 33 रन देके 5 विकेट लिए हुए, जो कि 5 होल एक बार लिए हुए हैं, उनका एवरेज 28.6 का है, उनका इकोनॉमी देखा जो जबरदस्त इकोनॉमी है 4.99 का उनका इकोनॉमी है। तो मैं दूसरा हीरो रखता हूँ नेपाल के टीम से, वो मैं सोमबाल कामिल को रखूंगा, सोमबाल कामिल एशिया कप में अच्छा करेंगे और नेपाल टीम को मैच जिताने की क्षमता रखेंगे। नंबर 3 जो हीरो है नेपाल के टीम में वो है करण केसी को मैं रखता हूँ कि करण केसी हर किसी को मालूम जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, बैटिंग से भी रन बना के देते हैं। करण केसी को अभी पाकिस्तान वाले देख के हैरान और परेशान हो गए हैं, डर गए हैं करण केसी को देख। करण केसी 46 मैच खेले हुए हैं, 46 मैच में 349 बनाए हुए हैं, उनका बेस्ट 42 का बेस्ट है, 46 मैच में 73 विकेट लिए हुए हैं, 33 रन देके 5 विकेट लिए हुए, 3 बार 5 होल लिए हुए हैं, इकोनॉमी 5.25 का इकोनॉमी है, जो कि करण केसी बैलेंस देते हैं, नया बॉल से विकेट लेके देते हैं और नेपाल टीम को मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इसलिए मैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी को मैं चुना हूँ। जो लास्ट जो नेपाल टीम में हीरो है नंबर 4 हीरो कुशल भुरतेल, मैं कुशल भुरतेल को इसलिए रखा हूँ कुशल भुरतेल ओपनिंग करते हैं, कुशल भुरतेल की जिम्मेदारी से एशिया कप में बैटिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं कुशल भुरतेल को रखा हूँ। कुशल भुरतेल हर किसी को मालूम, अगर वो जिम्मेदारी से बैटिंग किए, जिम्मेदारी से वो खेले, बहुत बड़ा प्लेयर बन सकते हैं नेपाल टीम के लिए। कुशल भुरतेल 44 मैच खेले हुए हैं, 44 मैचेस में 986 बनाए हुए हैं, उनका बैटिंग स्ट्राइक देखा जाए 79.33 का उनका बैटिंग स्ट्राइक है, उनका एवरेज देखा जाए 22.93 का उनका एवरेज है, वो 100 मारे हुए हैं, 650 मारे हुए हैं, कुशल भुरतेल का रिकॉर्ड है। संदीप लामेछाने सबसे मेन खिलाड़ी है, संदीप लामेछाने को जिम्मेदारी से बॉलिंग करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से बैटिंग भी करके पास्ट को देना पड़ेगा। ये चार नेपाल के हीरो में बता दिया होगा, इसलिए चारों खिलाड़ी नेपाल को बैलेंस देते हैं और नेपाल को एशिया कप में जिताने का बाखूबी भूमिका अदा करेंगे। चारों खिलाड़ी नेपाल टीम को मैच जिताने की क्षमता रखेंगे एशिया कप में कि नहीं, आप लोग गाइस क्या लगता है, मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं। अगर आप लोग कुछ थोड़ है, आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हो, आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, तो वीडियो आप कमेंट कर सकते हो। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।